हेलो वेलकम फूडीज। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी मोमोज ऑन सिज़लर। सो यार, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड फ्लावर लिया है एंड उसके अंदर मैं डालने वाला हूँ ऑयल एंड सॉल्ट। हमें एक सॉफ्ट डो नीड करना है। सो इस तरह से मैं इसे मिक्स करूँगा एंड थोड़ा थोड़ा हम पानी लेंगे एंड इसे अच्छे से एक सॉफ्ट डो नीड करेंगे। तो आज का रेसिपी कुछ पोर्शन में डिवाइड है। सबसे पहला पोर्शन वो है हमारा डो, सो हम डो नीड करेंगे। उसके बाद जो है हमारे मोमो की स्टफिंग, देन तंदूरी मसाला एंड जो लास्ट है वो है हमारा फ्राइड राइस। सो इट इज़ बेसिकली स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स है एंड देन उसके अंदर राइस सौदे करके मैं जो राइस बनाने वाला हूँ। सो हमारा डो नीड हो चुका है, एकदम सॉफ्ट डो है। अब हम क्या करेंगे, किचन टावल से इसे कवर करेंगे एंड 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। एंड स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कैरेट ग्रेट किया है एंड कैबेज। एंड इसके अंदर होल अनियन को ग्रेट करके डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूँगा सॉल्ट। सॉल्ट डालने से होगा क्या कि अनियन कैरेट एंड जो हमारा कैबेज है वो पानी छोड़ेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो मोमोज थोड़े सॉगी हो जाएंगे। ये देखिए देखिए किस तरह से थोड़ा लिक्विड टेक्सचर आ गया है इसका। सब एक किचन टावल लेंगे एंड उसके अंदर ये हमारा स्टफिंग डाल के हम स्क्वीज कर लेंगे और एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको स्क्वीज करना है, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। मैं हमारा जो स्क्वीज किया हुआ स्टफिंग इसके अंदर डालूंगा एंड अब हम इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम। सो मैंने यहाँ पे चॉप्ड कैप्सिकम ली है, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज स्पाइसीनेस के लिए एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा आमचूर पाउडर थोड़ी सारनेस के लिए। सो हमारी स्टफिंग बन के रेडी है, हम इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर। फिर ये बनाते हैं हमारे मोमोज। सो मैंने यहाँ पे डो को स्मॉल पोर्शन में रोल किया है, एक स्मॉल पूरी के शेप में, और हम इसे रोल करेंगे ट्विस्ट एंड देन प्रेस। हमारे मोमोज बन के रेडी है, हम इसे करेंगे फ्राई। ध्यान रहे फ्राई करने के टाइम पे जो हमारा ऑयल है वो मीडियम हीट पे होगा, हाई हीट पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे ताकि हमारा जो मोमोज है वो कच्चे ना रह जाए। सो धीमी आँच पे हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। बीच बीच में से हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए इवनली। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स करते रहना, हिलाते रहना है बीच बीच में। सो हमारे तंदूरी मोमोज तो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आइए हम बनाते हैं इसका मैरिनेशन। तो अभी मैंने एक छोटे से कढ़ाई के अंदर ऑयल लूँगा एंड ऑयल के बाद मैं इसके अंदर डालूँगा रेड चिली पाउडर, करीबन 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालूँगा एंड इसे मिक्स कर दूँगा। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो प्लीज़ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए। इसके अंदर डालूँगा मैं हाफ कट के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एंड हल्दी यानी टर्मरिक। अब मैं डालूंगा इसके अंदर गरम मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला एंड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप एक अच्छा सा अर्दीनेस फ्लेवर देगा एंड फाइनली चॉप किया हुआ कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स। तो हम इसे एक अच्छे से मिक्स देंगे ताकि सारे स्पाइसेस वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पनीर ग्रेट करेंगे ताकि हमारे जो मैरिनेशन है उसको एक अच्छी बॉडी आए, थिक बॉडी मिले।
ये देखिए इसी तरह से इसको अच्छा मिक्स करना है। आप चाहे तो ये स्पून यूज़ कर सकते हैं या फिर विस्क इज द बेटर ऑप्शन। अब मैं इसके अंदर डालूंगा रोस्ट किया हुआ बेसन, ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर क्या करेगा कि इसको अच्छा बॉडी देगा, प्लस जो हमारे मोमोज को कोटिंग करने में हेल्प देगा और एक अच्छी से बाइंडिंग देगा। सो मैंने यहाँ पे अंदर मोमोज डाल दूंगा हमारे मैरिनेशन के अंदर। जैसे मैरिनेशन एटलीस्ट 20-30 मिनट्स रेस्ट दे, हम आप रेस्ट दे मैरिनेशन को फ्रिज के अंदर। रेस्ट देने के बाद मोमोज को हम डालेंगे मैरिनेशन में अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से इवनली कोट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सादे स्टिक लेंगे और उसको मोमोज को सादे स्टिक के अंदर डाल देंगे। ध्यान दें सादे स्टिक यूज़ करने से पहले इसको पानी के अंदर सोक करके रखें, ताकि जब आप इसको ओपन फायर पर सादे स्टिक को डालें तो सादे स्टिक जले ना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम क्यूब एंड फिर मोमोज एंड देन अनियन। उसी तरह से हम सेम प्रोसेस करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी है गाइस। आप घर पे बिना तंदूर के तंदूरी मोमोज खा सकते हो, दैट्स माय बेट। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पैन को हाई हीट पे गरम करेंगे एंड देन उसके अंदर डालेंगे घी। यह मैंने घी लिया है। इसके बाद मैं डालूंगा हमारे मोमोज। स्मोकिंग पॉइंट पे आने के बाद हम मोमोज डालेंगे, सो दैट अच्छा सा कलर आए। ध्यान रहे नो कलर नो टेस्ट। पैन को थोड़ा हिलाना ताकि अच्छे से घी स्प्रेड हो जाए। 2-3 मिनट बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। मेक श्योर 2-3 मिनट्स इच साइड। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मैं मोमोज के साथ एक राइस भी सर्व करूंगा, एक सीजनर मील टाइप हो जाएगा। देखिए इतना अच्छा कलर आ चुका है। आप क्या कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्पून में लेके अगेन आप मोमोज के ऊपर डाल सकते हो, जिसे हम ब्रेजिंग कहते हैं। ये देखिए इस तरह से, ताकि फ्लेवर्स फिर से हमारे मोमोज के अंदर जाए। ज़्यादा हमें हिलाना नहीं है, नहीं तो हमारे स्क्रूवर से निकल सकते हैं। जैसे कि अभी पैन में अच्छे से कुक हो, फाइनल टच के लिए मैं क्या करूँगा, ओपन फायर पे इसे एक चार्ड करूँगा, सो दैट एक तंदूरी वाला जाएगा। इस तरह से आपको गैस पे करना है। मैंने यहाँ पे फ्लेम में नीचे सिल्वर फॉइल नहीं लगाया, तो प्लीज़ आप लगा देना, नहीं तो मम्मी चिल्लाएगी आपको। मम्मी ने भी लगा था। इस तरह से आपको इसको चार्ड करना है, परफेक्ट तंदूरी फ्लेवर आएगा इसे। थोड़ा सा बर्न क्या हुआ, सेम पैन मैं थोड़ा सा ऑयल दूंगा एंड जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज चॉप्ड। इसको अच्छे सौते करेंगे सो दैट वो फ्लेवर सी खुशबू आ जाएंगे आने तक। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगा हमारे वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, कैरेट्स, अनियन एंड कैबेज। प्लेन राइस है, नो विनेगर, नो सोया सॉस, नो चिली सॉस, नथिंग। इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है। ध्यान रहे चाइनीज है, सो इट शुड बी ऑन हाई हीट। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा सो दैट हमारे जो वेजिटेबल्स है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए एंड जल्दी कुक हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करूंगा एंड इसके अंदर हम डालेंगे हमारे राइस।
राइस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ध्यान से राइस टूटे नहीं, और जो हमारे जो हमारा जो राइस है वो बन के रेडी। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तंदूरी मोमोज विद सिज़लर रेडी है, सो आइए हम उसकी प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिज़लर को बहुत ज़्यादा गर्म करके रखा है, सो मैं बेस में यहाँ पे कैबेज यूज करने वाला हूँ, सो हमारे तंदूरी मोमोज जलेंगे नहीं। और इसको और इसके ऊपर मैं रखूँगा हमारे तंदूरी मोमोज। उसके बाद जो राइस है वो मैं इसको ऊपर डालने वाला हूँ। तो आप आवाज़ सुन रहे हैं सिज़लर की, इसलिए इसको हम सिज़लर कहते हैं। ओके, तो रेडी है। तो इसके ऊपर करेंगे थोड़ा पनीर ग्रेट, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश क्रीम जस्ट फॉर द रिचनेस, और उसके बाद साइड में हम थोड़ा सा सलाद देंगे। तो हमारे सीजर बन के रहिए।